तो एक और वीडियो में आपका जो है स्वागत है। आज जो है हमारे बीच में युवा हिमालय एग्रो फूड प्रोडक्ट के जो प्रबंध निदेशक हैं श्री योगेश बधानी जी आ रहे हैं प्रशिक्षार्थियों को जो है उद्यमिता के बारे में जो है जानकारी देने के लिए। और योगेश बधानी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने मात्र 183 रुपये से जो है अपना यह कार्य शुरू किया था और आज जो इनका टर्नओवर लगभग 30 लाख रुपये सालाना है। और इनके द्वारा जो है 2013 में अपना काम शुरू किया गया था और मात्र 8 से 9 साल की जो अवधि है उसमें ही इन्होंने अपने जो कार्य को जो है इतना बढ़ा दिया है। तो आइए चलते हैं हम अपने जो संस्थान के जो मल्टीपर्पज़ हॉल की तरफ जहाँ पर जो है प्रशिक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि जब योगेश बधानी जी आएँ तो वह जो है अपने विचारों से प्रशिक्षार्थियों का अवगत करा सकें। आइए चलते हैं मल्टीपर्पज़ हॉल की ओर। हम जो हैं अपने संस्थान के जो है मल्टीपर्पज़ हॉल में आ गए हैं। ये सर विज्ञान के लिए जो है प्रशिक्षार्थियों का आना शुरू हो गया है और ये जो है सभी ट्रेडों के जो प्रशिक्षार्थी हैं वो जो है हमारा जो मल्टीपर्पज़ हॉल है उसमें आने लग गए। ये देखिए 5-6 स्टूल तो वहीं पर हैं, बाकी इधर ध्यान से सुनना आप सबने। संस्थान बड़कोट के इस सभागार में IIC बड़कोट के इंटरप्रेन्योरशिप यूनिट के द्वारा आयोजित इंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस वर्कशॉप अर्थात उद्यमी जागरूकता कार्यशाला में उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय, कार्यदर्शक महोदय, आज के इस कार्यशाला के व्याख्याता स्थानीय सफल उद्यमी श्री योगेश बंदानी जी, श्रीमती श्वेता बंदानी जी, सचिव हिंसा हिंसक संस्था नौगों, IIC बड़कोट के मेरे सभी साथीगण और समस्त उपस्थित प्रशिक्षार्थियों का आपका इस कार्यशाला में स्वागत है। विशेषकर श्रीमान योगेश बंदानी जी का जिन्होंने अपना अब मैं अपने बीच उपस्थित सफल उद्यमी श्रीमान योगेश बंदानी जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे प्रशिक्षकों के मध्य अपने उद्यम के संबंध में प्रारंभ से वर्तमान के सफर एवं सफलता के बारे में व्याख्यान प्रदान करने का कष्ट करें। को लेकर जो है जागरूकता कार्यक्रम है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें से सब जो है एंटरप्रेन्योर बनेंगे, है ना, क्योंकि हर एक आदमी अलग अलग है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उतने प्रकार के लोग बैठे हैं और सबके अंदर अलग अलग कुछ ना कुछ खास है। तो अगर अपने आपने अपना खास पहचान लिया ना, तो तब आपको क्या और क्यों को सर्च करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, है ना। मैं क्या उसका यूज, मैं आपको ना एक अब अपने आप को कैसे पहचानना है क्योंकि ये बात होती है काम में तब अपनाएंगे, है ना। चलिए पानी पे आगे पहले करो जो जान दे ढंग से, ऐसे नहीं मतलब पूरा सही ढंग से जानते हैं आप बात देख रहे बात चल रही आप जानते हैं। उठो जरा आप अपने 5 अच्छाई बताओ जरा। हाँ जी ये अच्छा ही है, ठीक है काम पूरा करते हैं और सुबह टाइम से उठते हो, टाइम से खाना पीना और नहीं जोर से जो बस उनके अंदर क्वालिटी है वो टाइम से चार भी टाइम से खाटते नाम से सोचते टाइम से काम करते हैं। 5 होगी ना, अच्छा 5 अपनी बुराई बताओ कमी क्या है जो आपका वीकनेस है। कमियों का मतलब होता है वीकनेस मतलब जहां पर आप कमजोर हैं, मतलब आपके अंदर कोई कमी नहीं है बताओ। देखो कितना जानते हैं हम अपने आप को, है ना। देखो चलो क्या कोई नहीं, मैं अब मैं बताता हूं आपको
कि हम जो है कैसे अपने आप को पहचान सकते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कुछ भाग्य से मिल गया कुछ तो ठीक है, नहीं तो जो है कभी कुछ नहीं होने वाला। मैं मतलब हम खुद इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, है ना। तो एक है SWOT, इसको बोलते हैं स्वेट एनालिसिस। SWOT इसको याद रखिए, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी कि हमारी जो क्वालिटीज हैं, है ना, हमारी मजबूती है जो, यानी जो अच्छा ही है जो, है ना। दूसरा हमारी W वीकनेस, कमजोरी। O अपॉर्चुनिटी, अवसर। डर। ये चार चीजें हैं जिसकी हमारे पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए, जिसके हमारे पास पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए अगर आपको एक सफल उद्यमी या एक सफल कर्मचारी, अधिकारी या कुछ भी आप जीवन में बनेंगे, एक सफल कृषक, एक सफल उद्यमी, एक सफल नौकरी करने वाला व्यक्ति, है ना, चाहे वो किसी भी उसमें हो, चाहे अफसर हो, चाहे फोर्थ क्लास में हो, चाहे जिस भी उसमें हो, अगर आपने ये चार चीजें अपनी पहचान ली तो आपको अपना करियर चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। स्ट्रेंथ यानी कि आपके अंदर क्या मजबूतियां हैं आपकी, क्या आपकी अच्छाइयां हैं, क्या आपकी खूबियां हैं, इसकी एक लिस्ट बनाओ। फिर आपकी वीकनेस क्या है, कमजोरियां क्या है, इसकी एक लिस्ट बनाओ। जब मैंने पहली बार बनाई थी तो मेरे अंदर 3-4 अच्छाइयां थी और 10-12 मेरी कमजोरियां थी। दोनों ये जो SW स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये दोनों पैरेलल होती हैं, यानी कि अगर किसी में कोई अच्छाई है तो बुराई नहीं हो सकती उसमें, है ना। मानो बात कोई जो है सुबह टाइम से उठता है तो ऐसा नहीं कि देर से भी वही उठता है, ऐसा नहीं है, है ना। अब क्या है, हम जो कमजोरियां हैं उनको जब हम उन पर जब हम काम करेंगे तो वो स्ट्रेंथ बनेगी। जैसे कि हमने कहा भाई सुबह देर से उठना ये हमारी कमजोरी है, अब अगर हम जो सुबह उठना जल्दी शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगी, वो हमारी अच्छाई बन जाएगी, हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी, है ना। तो हमारी वीकनेस का एक कम हो गई और स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो इस तरीके से अब इसको कैसे जानना है, ये जो स्वेट एनालिसिस है इसको कैसे हम जो है लिस्ट बना पाएंगे, ये एक दिन में नहीं बनेगी आपकी लिस्ट। आप आज से इस पे काम शुरू कर दो, मैं आपको सच में यकीन दिला रहा हूं, जो आज से इस पे काम करना शुरू कर देगा ना, आप देखना 6 महीने के अंदर आपके अंदर इतना जबरदस्त चेंज आना शुरू हो जाएगा, आप खुद महसूस करना शुरू कर दोगे, है ना। कि आप जो है अब जब काम करना शुरू करोगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो एक जो है जोहारी में जो उसको बोल रहे हैं, हमारे जीवन में एक खिड़की होती है ना, जिसमें हमारे जीवन में कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसमें जो है केवल हम जो है अपने बारे में जानते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्या होती हैं, जिनको केवल और केवल हम अपने बारे में जानते हैं, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जो है स्वयं भी और लोग भी, वो चाहे कोई भी है, वो जानते हैं। तीसरी चीज होती है केवल लोग जानते हैं। बैंक के बारे में बात की आप लोग सोच नहीं सकते, लेकिन आपका डिमांड 1000 बैंक का बना के लिए जबरदारी।
ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर किसी चीज की कमी है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हुनर के ऊपर। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों के पास अभी हम बैठे हुए तो पेशेंस ही नहीं, वो सोचे कब खत्म हो, हम भागे यहाँ से और अपना जो है कहीं दाएं बाएं निकल जाए। तो पेशेंस और बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्वालिटी पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। आप तभी सक्सेस हो सकते हैं जब आपके अंदर क्वालिटी और पेशेंस है। जैसे आपको बोला कि आपको अपने अंदर की चीज़ें जाननी है, आपको बताया गया हर चीज़ को, तो आपको अभी यही नहीं पता कि हमें कितना बैठना है, कितना रुकना है, कितना समझना है, कितना सोचना है, क्या नोट करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बोलेंगे मेरे पास। अभी ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि अभी समय हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है और यही प्रोग्राम सुनते हैं, इसीलिए हम प्रोग्राम काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं। आप लोग सोचिए जरा इसमें करिए। एक मैं मैडम एक चीज़ देख रहा था, मैं अभी हमारे गढ़वाल में चीज़ होती है, शायद आप परिचित होंगे, सीपक थॉन नाम बोलते हैं, है ना, इस पे काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे माइंड में कई चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं, अमलोच आमिर आमिर इस नाम से, खासकर जो है जो ये वाला खसाके वाले ना उसकी खटाई बनाते हैं, आमिर है ना, आमिर है ना, आमिर सिबक कौन कोई बात कोई यार उसकी हम लोग बस झाड़ियों देखते हैं, झाड़ी समझते हैं उसको, हम लोग खाते बचपन में हम लोग जब स्कूल जाते थे खाते थे तो, लेकिन हम लोगों की इसकी कीमत मालूम नहीं आप मार्केट देखिए ना, उसका जूस कितने मिलता है, 1,500-2,000 की छोटे मोटे। साथीगण और समाज उपस्थिति उपस्थित प्रशिक्षार्थियों का नाट का इस कार्यशाला में स्वागत है। विशेषकर श्रीमान योगेश बंदानी जी का जिन्होंने अपना व्यस्तम कार्यों से समय निकालकर हमारे प्रशिक्षार्थियों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करने हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, और आप लोगों के साथ अपने उद्यमी होने के संघर्ष और सफलता के सफर की चर्चा हम लोगों के बीच करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका लाभ अवश्य उठाते हुए भविष्य में स्वरोजगार को अपनाएंगे। मैं इस बीच उपस्थित छोटे भाई योगेश बंदानी जी का संक्षिप्त परिचय आप लोगों के मध्य रखता हूँ। तो यदि कभी भी योगेश भाई हो, श्वेता दीदी हो, इन लोगों से कुछ टिप्स लेना चाहें, कोई सीखना चाहें, कोई अपना उपहार देना चाहें, विजिट कार्ड है, आप लोगों का पूरा सहयोग किया जाएगा। और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि योगेश भाई दोबारा हम लोगों को मौका देंगे, और आने वाले समय में हम भी वहाँ जाकर दोबारा पिछले साल में विजिट किया था और दोबारा विजिट करेंगे सबको साथ थोड़ा सा। एक चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि आप सब लोग गाँव से हैं, गांव से आते हैं, आप लोगों के पास कोई भी दाल हो, राजमा की हो, उड़द की हो, काली दाल हो, कोई भी दाल जो होती है आजकल है, मंडुआ है, झंगोरा है, आप लोग अगर जो ये मोबाइल नंबर अभी यहाँ इस पे आपको देंगे, इस पे कॉल कर सकते हैं। नहीं नहीं 1 किलो 10 किलो नहीं, आपने गांव में प्लग करना है, हमें चाहते हैं कि जो प्लग करेगा उसको भी कुछ मिले। आप